बैग कहाँ है? चलो चलो बैग कहाँ है? ऊपर कहाँ है दिखाओ, चलो चलो बैग पैक करो, चलो चलो चलो, लेट हो रहा है, चलो चलो। बैग कहाँ है? हाँ, वेयर इज योर बैग? नहीं, ये है ना, ये डैडी का बैग है ना, ये डैडी का बैग। वे तो हर्षल थोड़ी ना जा रहा है। मम्मा, मम्मा हो गया, मम्मा लेट हो रहा, लेट हो रहा। हाँ लेट हो रहा है। हाँ कहाँ जाने के लिए? गाड़ी, गाड़ी में। हाँ ओके चलो, हो गया। स्कूल ले ले, ऊन स्कूल नहीं लेना है। हाँ स्कूल नहीं, एक पून है। नहीं, स्कूल नहीं लेना। जा रहे हो? बाय बाय। कहाँ जा रहे हो? ओके बाय। मम्मा नहीं जा रही है? नहीं। हाँ मोबाइल आप रख लिए? चार्जर वार्जर, चार्जर वार्जर रख लियो। हमें निकलना था 7 बजे और अभी बज रहा है 8:30 बजने वाला है। हम 7:10 पे उठे ही थे और बस तैयार होते होते 8:30 बज गया है। बस 8:30 बजे निकल रहे हैं, तो वहाँ हम लोग शाम को पहुँचेंगे 4-5 बजे। और कहाँ जा रहे हैं तो मैं वहाँ जाके आपको बताऊँगी। बस हम भी निकल रहे हैं, वो दोनों लोग निकल के गाड़ी में बैठ गए, हम भी जा रहे हैं। मैंने पॉलिथीन में हर्षल का जूता रख लिया क्योंकि सब कुछ हो गया है, बाकी सारे सामान गाड़ी में है। एक दो सामान थे जो मैं लेके जा रही हूँ। तो इतनी बारिश से बेसमेंट इतना पानी पानी हो गया है, पूरे बेसमेंट में पानी पानी हो गया है। 2 दिन से बारिश हुए जा रही है। हाँ तो मैं उठा के ले आई ना उन गार्ड से, गार्ड से बोल के उठवा के ले आई मैं। कहाँ जा रहे? मैंने सुना ही नहीं कि आप ग्राउंड फ्लोर बोल रहे हो। चाबी रख लो। अच्छे चाबी इसमें डाल देती हूँ, ये इसमें, यहाँ इसमें है। क्या फास्ट टैग लगवा रहे हो? क्या कर रहे हो? फास्ट टैग में नो, रिचार्ज करवा रहे हो ना? क्या करवा रहे हो? हाँ फास्ट टैग में 150 है ना, मैं तो अभी डालेंगे। कह रहे थे ये पुराना वाला है, नया वाला है? नहीं ये तो पुराना वाला है। नया वाला मिला कि नहीं? तो वो लगाओगे ना वहाँ पे? हॉलीडे, हॉलीडे, हॉलीडे पे ही तो जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं? हॉलीडे चाहिए तो हॉलीडे पे ही तो जा रहे हैं। और ब्रेकफास्ट कितना दूर होगा वो रेस्टोरेंट? अभी दिखा रहा है 1 घंटा। तो अभी बज रहे हैं 9:30, 10:30 बजे तक पहुंचेंगे। 10:30 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, वहाँ आधा घंटा तो लग ही जाएगा ब्रेकफास्ट करते करते। खाना खाने? हाँ। नाश्ता करने? हाँ, नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता करने जा रहे हैं? हाँ। तो हम लोग यहाँ रुके हैं ब्रेकफास्ट करने, यहाँ हाईवे पे एक रेस्टोरेंट है। हम लोग 8:30 बजे निकल गए थे और पहुँचे हैं 10:30 बजे यहाँ पे। अभी मैं आपको रेस्टोरेंट दिखाती हूँ, यहाँ बहुत सारे हैं, बर्गर किंग है और बहुत सारे रेस्टोरेंट है, अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट है, तो मैं आपको ये देवराना करके रेस्टोरेंट है, यहाँ बर्गर किंग है, सबवे भी है, बहुत सारे हैं। तो कर लूँगी, अभी उतर रही थी। अबे आप भी यहाँ तो इसके लिए बहुत कुछ है, देखो यहाँ जंपिंग वाला भी है, ट्रैक्टर है। मैं तो बैठेगा ट्रैक्टर पे,
वन सेकेंड कोई नहीं बैठो पकड़ो इसको ना इसको पकड़ लो चढ़ नहीं रहा ना ये सिट डाउन यहाँ ट्रैक्टर भी है और यहाँ पे मैंने स्कूटर भी है अभी इस पे मैं वीडियो बनाऊंगी एक रील बनाऊंगी इस पे अच्छी जगह है ये कौन सा हाईवे है ये आप हरिद्वार हाईवे पे आओगे ना तो ये दिखेगा आपको ये रेस्टोरेंट दिखेगा यस फाउंटेन है बेटा ये फाउंटेन है ये बैठो पिछली बार आप यहीं बैठे थे ना आए थे हाँ पिछली बार आप आए थे यहीं बैठे थे फर्स्ट टाइम नहीं फर्स्ट टाइम तो मैं तो पहली बार आया आप पहली बार आए थे तो विशाल तो उनके साथ आए थे तो काम अंदर बैठ मुझे लगा यहीं बैठ फार्म पे एक वेजिटेबल सबसे अच्छा है इसका खाते क्या आप तो कर दो और देख लो क्या खाना है एक पराठा ले लेता हूँ पराठा लो इसके लिए क्या लोगे सैंडविच सैंडविच खाएगा ब्लैक पेपर सी क्या खाएगा पराठा खाएगा ये क्या छाछ है दही क्या खाएगा चटनी क्या खाएगा पराठा खाएगा दही खाएगा ये वाला ये मक्खन मक्खन दे दो खाएगा खाएगा वो दूध तीखा नहीं है टेस्टी है यम्मी है चलो यम्मी है लो लो अरे मधु नो नो डर्टी है बेटा डर्टी है वाटर है ना देयर वाटर देयर ना ऑल ओवर वाटर देयर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से अब यहाँ से पहुँचेंगे 4-5 बजे वहाँ पे ये रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है अगर आप हरिद्वार की तरफ जा रहे हो उसी हाईवे पे पड़ता है अगर आप यहाँ पे आना जरूरी है यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है देवराना नाम है हाँ भी स्कूटर है ये क्या है ये पुराने बॉक्स रखे हुए हैं यहाँ पे सारी पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं चलो बैठे क्या बैठो मेदू सी यार मेदू मेदू नहीं इससे एनर्जी जनरेट होती है ना ऐसे चलते नहीं, नहीं अभी वो दिखाया गया है ना ऐसे एनर्जी जनरेट होती है ना लेकिन ये अच्छा लग रहा है देखने से ये वाला भी ट्राई कर लो फोटो
सारा फोटो सेशन वगैरह होगा यहाँ। ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, फोटो भी खिंचवाई, रील्स भी बनाया और अब निकल रहे हैं यहाँ से। ओके गो इनसाइड, गो इनसाइड। हो गया कौन सी जगह आ गई? देहरादून से 50 किलोमीटर। हाँ वैसे माउंटेन दिखने लगा, देखो वहाँ पे माउंटेन है। ये तो सी माउंटेन देयर, क्या सी क्लाउड माउंटेन, क्लाउड एंड माउंटेन, क्लाउड एंड माउंटेन। कहाँ जा रहा है? माउंटेन जा रहा है ना, तो माउंटेन देखो, सी सामने माउंटेन दिख रहा है। हाँ हाँ, यू कैन सी माउंटेन। यस यू डू, यस। कहाँ जा रहे हैं? माउंटेन जा रहे हैं? हम माउंटेन जा रहे हैं। एयरपोर्ट तो नहीं जा रहा ना? एयरपोर्ट तो नहीं जा रहा है? एयरपोर्ट में बैग खा रही हूं। नहीं जा रहा है एयरपोर्ट, सो सैड। इस टाइम भी इतने लोग घूमने आते हैं, इतनी भीड़ है, ट्रैफिक अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है ना, फिर से बारिश खत्म हो जाती है तो जून मई जून में भी तो लोग आते हैं बहुत ज्यादा। जून के बाद बंद कम हो जाता है, जुलाई अगस्त सितंबर बारिश, फिर अक्टूबर से शुरू हो जाता है। ये टनल कब बना है? अभी हम लोग कहीं बीच में रुके हैं चाय वाय पीने के लिए, कोई कैफे है तो यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे अच्छा सीन दिख रहा है, ये जगह कौन सी है? नहीं, ये कौन सा रास्ता है? ये भी मसूरी को जाएगा? जगह कौन सी है? राजपुर। राजपुर है? ओल्ड मसूरी रोड। ओल्ड मसूरी रोड 18 किलोमीटर दूर है। और वो और धनौल्टी जा रहे हो ना? हाँ, नहीं टोटल 40 किलोमीटर और है धनौल्टी। अच्छी जगह है ना यहाँ पे तो, क्योंकि वहाँ कुछ वेडिंग सेरेमनी भी, वेडिंग वगैरह भी होते हैं। हाँ उनसे बोल दूँ कि नीचे ही दे दें, यहीं पे यहाँ पे टॉयलेट है यहाँ पे, इसलिए कोई नहीं बैठता होगा। चलो चलो डैडी दे देंगे ना चाबी, कोई खोल थोड़ी ना रहा है चाबी। चाबी हाँ मिल जाएगा, चलो के चाबी ले आके।